अब हम आपको इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें तीन पैराग्राफ दिए हमने, एक दो तीन। पहले इसकी हिंदी मीनिंग समझ लो, उसके बाद पढ़ने में तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी। अंकित, ये वर्ड लिखा हू, हू मानी होता है कौन, हू मानी क्या होता है, ये लिखा है, इस मानी होता है, शी मानी होता है वह लड़की, है डॉक्टर मानी डॉक्टर होता है, जिसे हिंदी बोलते चिकित्सक, चिकित्सक। अच्छा, डू मानी होता करना, ट्रीट्स द सिक पर्सन, मतलब कि बीमारों को दवाई देना या बीमारों की देखभाल करना, ट्रीट्स द सिक पर्सन। पर्सन मानी आदमी, ट्रीट मानी मतलब सेवा करता है, द सिक मानी बीमार, ऐसा इसे सिख, सिख मानी क्या होता है, बीमार। और पर्सन मानी क्या होता है, लोग, क्या होता है, डीड्स मानी होता है सेवा करना, काम करना उनके ऊपर। अच्छा, तो पहले पैराग्राफ का मतलब है, कह रहे हु इज सी, बोलो वह कौन है, इज मानी क्या होता है, तो पहली लाइन का मतलब है हु इज सी का मतलब है वह कौन है, बोलो बोलो, लड़का है लड़की, आप देखो क्या कह रहे हैं, शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, समझ में आया। अब पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन है इस तरीके से, हु इज सी, कह रहे हैं वो कौन है, अंग्रेजी में इंग्लिश में बोल रहे हु इज सी, हिंदी में मतलब होता है वह कौन है, अब वो उसका आंसर दे रहे हैं, सी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में, फिर पूछ रहे हैं व्हाट डज अ डॉक्टर डू, डू मानी होता करना, डू मानी, तो देखो इसका मतलब है हिंदी में डॉक्टर क्या करता है, अब इसका आंसर दिया गया, आ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पर्सन, सिक मानी बीमार, पर्सन मानी लो, ट्रीट्स मानी सेवा करना एक तरीके से, तो इसका मतलब उत्तर क्या हुआ, वो पूछ लिया ऊपर डॉक्टर क्या करता है, तो वो आंसर दे लिया कि डॉक्टर मरीजों को, या मरीजों की देखभाल करता है, दवाइयां देता है, मेडिसिन देता है, तो जो लड़की है ऊपर वो एक डॉक्टर है, तो उसने पूछा पहले डॉक्टर वो कौन है, हुई सी, मैं कौन है, तो उसने कहा शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब कह रहे हैं व्हाट डज अ डॉक्टर डू, डॉक्टर क्या करता है, तो वो उत्तर दे रहा है डॉक्टर ट्रीट्स सिक पर्सन, बीमार लोगों को दवाइयां, सबको आ गया पहला। अगला इसने भी पहले प्रश्न पूछ लिया हु इज ही, वह कौन है, इसमें लड़का है लड़की, हाँ ही मानी वह लड़का होता है, आप देखो कह रहे हु इज ही, वो कौन है, वहां खड़ा है, हु इज ही, वो कौन है, तो आंसर दे रहे हैं ही इज अ, बार बार वह एक नाई है, अब पूछ रहे नाई क्या करता है, अंग्रेजी में पूछोगे नाई, हिंदी में कह रहे हैं नाई क्या करता है, अंग्रेजी में कैसे, बोलो अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे,
What does a barber do? नाई क्या करता है? अब उत्तर दे रहे हैं, आ बार-बार कट्स हेयर, एक नाई बालों को काटता है। बोलो किसकी समझ में आई? आई समझ में? बार बार माने होता है नाई, क्या होता है? और क्या बचा? कट्स माने होता है काटना, कट्स माने, और हेयर माने होता है बाल, क्या होता है? बाल। अब बोलो कुछ रही इसमें? और ये हमने बताते हुए हु माने होता है कौन, हु माने वाट मानी क्या, वाट मानी क्या। अब बोलो कुछ रही इसमें? और किसकी अंग्रेजी की मालूम है? सबकी मालूम है। अगला तीसरा, हु इज ही, हिंदी बताओ क्या हुई? हाँ वह कौन है? अरे यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर कोई आ गया, हु इज ही, कोई सामने खड़ा बोला हु इज ही, वह कौन है? अगर मान लो मैं अपने कहता, आप कहती हु इज ही, तो भूया आता जैसे ये आया, तो मैं कह वो कह, तुम कहती दूसरा बच्चा कहता आंसर देता ही इज अ टीचर। अब टीचर क्या करता है? अंग्रेजी बोलो, व्हाट डज अ टीचर डू, टीचर क्या करता है? वो बच्चों को पढ़ाता है। तो ये लिख दिया अगर मेरा आ जाता तो। आगे ही इज अ कारपेंटर, वह एक बढ़ई है। कारपेंटर मानी बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। ये तो आंसर हो गया, हु जी वह कौन है, वह एक बढ़ई है, ही इज अ कारपेंटर। अगला, व्हाट डज अ कारपेंटर डू, कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर, ये इससे याद कर लो, व्हाट मानी क्या होता है और हु मानी होता है कौन। अच्छा आगे देखो, बता रहा है क्या करता है, अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट, मेक्स मानी होता है बनाना, वुडन मानी लकड़ी, वुडन मानी लकड़ी नहीं, ऑब्जेक्ट मानी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट मानी वस्तुएं। तो इसका हिंदी मतलब हुआ बच्चों देखो, एक बढ़ई लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। सबको समझ में आ गए? थैंक यू वेरी मच।